हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये फ़ैन है, तो इसके जो पॉपुलर है ये मैंने बनाया। आप देख सकते हो ये कोई ख़रीदा नहीं मैंने, ये घर पे ही बनाया है। और जो प्लास्टिक का डब्बा होता है उसके ढक्कन से बनाया है। आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं, तो देख सकते हो आप लोग ये, तो आप लोग देख सकते हो ये पॉपुलर मैंने बनाया, ये जो पंखा है ये। तो चलिए देखते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्लास्टिक का एक शीट लेना पड़ेगा, तो देख सकते हो आप इस तरीके का। तो आप चाहे तो प्लास्टिक की बोतल का भी यूज़ कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। तो देख सकते हो इस तरह की लाइन खींच लेंगे सीट के ऊपर स्केल की मदद से, और उसके बाद कैंची से इनको बारीकी से काट लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने कैंची के मदद से काट लिया है बारीकी से। तो हम इनमें से दो टुकड़े लेंगे, तो उसके बाद हम लोग एक सफ़ेद पेपर लेंगे, आप देख सकते हो इस तरह के। तो उसके बाद हम लोगों ने जो प्लास्टिक की शीट कट के रखे थे सेम उसका जैसे हम लोग पेपर को भी कट कर लेंगे दो। तो उसके बाद जो ब्लेड का जो डिज़ाइन है वो पेपर के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो उसके बाद हम लोग ये पेपर को जो है शीट के ऊपर बैठा के ग्लू से चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको कैंची की मदद से अच्छी तरीके से काट लेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो देख सकते हो हमने काट लिया है, तो इसके बाद इसके ऊपर जो पेपर है इसको हटा देंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं, इसको अलग कर देते हैं प्लास्टिक से। तो ये और ये दूसरा वाला भी हटा देते हैं। चलो तो ये, हाँ ये उतर गया, ये भी। तो चलिए उसके बाद हम लोगों को पास ये जो दो टुकड़ा है इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा था वो प्लास्टिक का सीट, उसको हम काट लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने ये दो पीसेस काट लिया है। तो उसके बाद इस पीसेस को हम लोग वो जो दो ब्लेड हमने कट के रखे थे उसको ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो देख सकते हो आप हमने जो दो पीसेस काटे रखे थे वो काटे हुए पीसेस को हमने जोड़ दिया है ग्लू की मदद से। तो उसके बाद मोटर के लिए एक कनेक्टर चाहिए, आप देख सकते हो इस तरीके की। तो इसको हम इसके बीच में इसके चिपका देंगे। तो इसके स्टैंड के लिए हमारे पास एक छोटा स्टैंड है, तो हम उसको इधर से चिपका देंगे इसको ग्लू की मदद से। तो देख सकते हो आप ये ग्लू जो हमने लिया है ये फेविक्विक, इसको हम इधर लगाएंगे उसके बाद चिपका देंगे इसको।
तो दोस्तों कैसे लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए, जय हिंद।